शिवपुरी के हृदय में स्थित माधव चौक चौराहे पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव द्वारा कार्यवाही की गई है। यातायात प्रभारी द्वारा बताया गया कि शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। शराब पीकर वाहन चला रहे चालकों को रोककर उनका मेडिकल टेस्ट कराकर उन पर कार्यवाही की जाएगी। शिवपुरी पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को समझाइश भी दी जा रही है और दुर्घटनाओं से बचने हेतु यातायात के नियमों का पालन करने हेतु लोगों को जानकारी मुहैया करा रहे हैं। हेलमेट लगाकर वाहन चलाना अनिवार्य है, किंतु कई लोग हेलमेट नहीं लगाकर वाहन चलाते हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, जो आज आपके द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की क्या कार्रवाई है? ये लगातार अभियान चल रहा है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के गाइड के अनुसार भी और अपना पीएचपी के आदेश के अनुसार भी अभियान है कि जो भी व्हीकल्स, जो भी व्यक्ति दारू पीकर शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, मतलब उसकी सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि आज माधव चौक पे शाम को 6 बजे से चेकिंग लगाई है, जो भी ड्रिंक ड्राइव का जो केस होता है उसमें, तो अभी लगभग 3 लोग को पकड़ा गया है, उनका मेडिकल भी कराया जा रहा है, इसके बाद न्यायालयिक कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंटों का सबसे मुख्य कारण है कि जो व्यक्ति शराब सेवन करके वाहन चलाते हैं, वो उसमें खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एक्सीडेंट करे ही करे, खुद को भी उसमें। चालानी कार्रवाई के लिए सर कुछ निर्धारित राशि? नहीं, इसमें पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई नहीं की जाती, हम इसका प्रकरण बनाते जब्ती करके और न्यायालय भेजते, न्यायालय में इसमें 10,000 रुपये का जुर्माना है। और एक मैसेज और देना चाहेंगे सर? मैसेज में यही दूंगा कि सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, इसमें आप जो नियम है आते हैं उनका पालन करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं और शराब पीकर वाहन ना चलाएं। यही मैं उम्मीद करूंगा सर कि सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। और आगे सर कब तक कार्रवाई चली हुई है? निरंतर रहती है, तो निरंतर व्यक्ति कार्रवाई ऐसी करता ही है और कार्रवाई निरंतर जारी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।